नमस्कार, देश विदेश को स्वागत करीमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। बढ़ला बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पुआ आर्यन को अड़ुआ, जमीन आवेदन खारज। अक्टोबर 7 जाए एनसीबी रिमांड रहिबे, काम देलानी दलील। कोर्ट रे निजको निर्दोष दाबी करले आर्यन। कोरोना रे मृतकों परिवार को क्षतिपूरण बाबद को मिलिबा 50,000। केंद्र सरकार को योजना को सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी। आवेदन 30 दिन भीतर दिया राशि। अनुग्रह राशि देवा को कौन सी राज्य सरकार मना करिबा उचित नुहे कहले सर्वोच्च कोर्ट। देशर दुर्गम अति दुर्गम अंचल में पहुंचा कोरोना टीका। ड्रोन आधारित टीका वितरण मॉडल आई ड्रोन शुभारंभ कले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। ड्रोन टीका स्थानांतर करिबारे भारत दक्षिण एशियार प्रथम देश। प्रधानमंत्री मोदी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व को संभव जोगु नेतृत्व संभव जोगु कहले स्वास्थ्य मंत्री। मेडिसिन पाई घोषणा हैला नोबेल। दुई अमेरिकीय भेषज वैज्ञानिक जुलियस और अर्देम पाटापाउटियन ना घोषणा। तापमात्रा एवं स्पर्श उद्दिष्ट रिसेप्टर आविष्कार पाई मिलिब सम्मान। पश्चिमबंग निर्वाचन परवर्ती हिंसा घटना। पीड़ितों परिवार को क्षतिपूरण न दिजापर ममता सरकार को उपरे कोलकाता हाईकोर्ट को कड़ा टिप्पणी कहले एक गुरुतर प्रसंग रे राज्य सरकार को अवहेलापूर्ण व्यवहार को दर्शाउछि। महानदी में भासीगले बाप पुओ झी। संबलपुर दलईपड़ा घाटे गाधोया बेले अघटना। अचेत अवस्था उद्धार होता बाप पुओ मृत घोषणा। एबे भी निखोज झी। गजपति सीमा को नहीं सतर्क नुहंती राज्य सरकार। आंध्र मंत्री धमक पर भी प्रशासन पक्षर हेलानी मामला। गजपति गस्ते आसी भी मुह खोल मुख्यमंत्री। घटना को दुर्भाग्यजनक कहला ओडिशा नागरिक महामंच। प्रश्न केबे चेतिबे राज्य सरकार। आसवा संपूर्ण खबर को। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पुआ आर्यन को मिललानी जमीन। 7 अक्टोबर जाए आर्यन खान को रिमांड नेला एनसीबी। एबे एनसीबी कस्टडी रहिबे आर्यन। आर्यन को सहित अरबाज और मुनमुन 7 अक्टोबर जाए रिमांड रहिबे। क्रूज रे ड्रग्स पार्टी करथला बेले गिरफ होइथले आर्यन खान। आर्यन खान को अक्टोबर 11 पर्यंत हेफाजत को नेबा को आवेदन करथला एनसीबी। एनसीबी मुंबई क्रूज ड्रग केस मामला रे सुपरस्टार शाहरुख खान को पुआ आर्यन खान को फोन रु बड़ तथ्य पाइथिबा दाबी करी अधिक सूचना पाई तांको हेफाजत को नेबा को आवेदन करथला। कोर्ट रे सुनाणी बेले आर्यन खान को वकील सतीश मनसिंदे जुक्ति करिछंती जे जदियो मामला जमीन विहीन तथापि याको समर्थन करिबा पई तथ्य एवं प्रमाण रहिबा उचित। आर्यन को व्हाट्सएप चैट रे अंतर्जातीय ड्रग रैकेट सहित जड़ित तथ्य मिलिबा नै मनसिंदे कहिछंती जे एनसीबी खान को विरोध रे अत्यधिक गुरुतर अभियोग करुछंती किंतु एनी प्रमाण थिबा दरकार। अदालत आर्यन को चैट देखिपारिबे एथिरे से ड्रग विषय रे कथा होइनांती। अनेठारु जबत करा जाइछवा जिंस आर्यन को विरोध रे व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। Allegation which is raised against the present accused number 3 Mr. Miss Munmun is that a small quantity of 5 gram of hash was found on the floor and not her personal possession. It is not even proved whether it was her, it was she who was carrying it. It was not found at all. Apart from that, there were 2 more people who were in the room. So why are those 2 people not made accused in the present case? Because they are not yet made any accused in the case. It is she, Munmun, has been made accused just because a room was booked by other accused and was given to her. But however, the NCB has failed to record on an inquiry that with her 2 more people were there, and all these people were there in the room only for 5 minutes. Only for 5 minutes. Who was the महानदी रे बड़ घटना घटी। महा भासी गले बाप पुओ ओ झियो। बाप पुओं को अचेत अवस्था रे उद्धार करा जेतले मध्य परवर्ती समय रे उभयों को मृत्यु होई छी। सेपडे एबे भी निखोज अछि झियो। घटनास्थल रे अग्निशम कर्मचारी पहुंची खोजिबा अभियान जारी रखिछंती। सूचना अनुसार पेंशन पड़ार मोहम्मद अतलाफ निज पुओ मोहम्मद आसपात ओ झियो रुक्साना फातिम सहित महानदी
दळेपडा महिला घाट को गाधोवाई जाते समय झीओ पु नदी में भासी जाते बापा अल्ताफ उद्धार पर जावाबले से भासी जाते खबर पाई स्थानीय अंचल किसी युवक डंगा साजे खोजाखोजी आरंभ करते अग्निशम विभाग उद्धार कार्य नियोजित होते किसी समय पर पु आसपात को स्थानीय युवक मैंने जाल साजे उद्धार करले परे बापा महम्मद अल्ताफ को उद्धार कर संबलपुर मुख्य चिकित्सा को नियोजा तेरे उभय बापो और पु हस्पिटाल डाक्तर मृत घोषणा करते झील रुक्साना वर्तमान पर्यंत निखोज थी बेले राति अधिक होवर उद्धार कार्य को बंद कर आसंका सका पुणी उद्धार कार्य जारी रहा आम पेंशन पड़ार संबलपुर एम डी अल्ताफ तर पु एम डी अफ्ताफ एवं रुक्साना झील रुक्साना सहित गाधवाक आसते तीन जन जाक भासीगले पु एम डी अफ्ताफ को उद्धार करम लोकाल डंगा सा उद्धार कराला बर्तमान जदिओ ओडाफ टीम पहुंचती कि डंगा भाई मैंने उद्धार कर डाक्तखाना को नि ना पहरा ना शिखिथे के ना गाधन आसी बोले आम दलईपड़ा लेडीजे आम बोटे देखी से भी कपड़ा काची आसाला बोले दुईटा छुआ बुड़ी गले बुड़ी गले बोले तार बापा बचे गले बोले से फिर पिला मन को डाकी गले से माने लेडीजा पिला मन को डाकी गले रिंग रोड बसी थी लाइन जाइला ना लाइन जेते बेला एटा को गुटे को जाले धरलु आर गुटे को जेंडा कि अमर है जने माने बाड़ी कर देले बोले सेटा बाहरी गला तोर झीटा निखोज अछे सकाले चेष्टा करमा बाहर करबा लागि हिंगा दुइ जण लोक को उद्धार करा जाय छी उद्धार करी मेडिकल छड़ाई जाय छी डॉक्टर को जिमा दिया जाय छी भारत में कोविड 19 जो मृत्युवरण कर समस्त व्यक्ति परिवार सदस्यों को 50,000 टंका क्षतिपूरण प्रदान करने केन्द्र योजना को सुप्रीम कोर्ट अनुमोदन करते जस्टिस एम आर शाह सोमवार शुणी समय कहते राज्य सरकार मैंने कोरोन प्राण हरिया लोकों परवर्गों 30 दिन मध्य 50,000 टंकार क्षतिपूरण अर्थ प्रदान करेंगे कौन सी राज्य मृत्यु प्रमाणपत्र आल देखा क्या भी 50,000 टंका देवा मना करें मृत्युर कारण को नहीं कौन त्रुटि थे तुरंत सुधारा जिला कर्तृपक्ष आर व्यवस्था करेंगे राज्य विपर्य रिलीफ पांठि यह देय प्रदान आवेदन करार 30 दिन मध्य क्षतिपूरण राशि प्रदान करने को पड़ो कोर्ट तरफ निर्देश दि जाए कोरोन प्राण हरा पर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं पूर्व सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते जून 30 रे परिमाण केते हेबो ता स्थिर करबा संपर्क रे जातीय विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष को दायित्व दिया जाइतला जून 30 रे देथिबा निज निर्देश रे सुप्रीम कोर्ट कहितले देशरे कोरोना रे प्राण हरैतिबा लोकों को परिवार को क्षतिपूर्ण मिलबा दरकार कोर्ट कहितले एपरि महामारी समय रे लोकों को क्षतिपूरण देबा सरकार को दायित्व तेबे क्षतिपूरण राशि केते हेबो ए निष्पत्ति सरकार को उपरे कोर्ट छाडीतिले या सहित कोर्ट कहितिले महामारी समय चिकित्सा बाबद सुविधा एवं लोकों आवश्यक सुविधा पहुंचाइबा केन्द्र एवं राज्य सरकार को अधिक खर्च करने को पड़ुछे एनडीएमए को 6 सप्ताह मध्य राशि स्थिर करने को कोर्ट कहते कितु पर अतिरिक्त समय मागिता एनडीएमए 12 सप्ताह पर सेप्टेम्बर 22 तारीख में क्षतिपूरण राशि बाबद को 50,000 टंका स्थिर कर सर्वोच्च कोर्ट को अवगत कराइले सरकार जहाँपर आज शुणी कर अनुमोदन देते सुप्रीमकोर्ट देशर दुर्गम अति दुर्गम अंचल में पहुंचा कोरोना टीका ड्रोन मध्यम पहुंचा वैक्सीन एक ऐतिहासिक मुहूर्त में देशर दूर एवं दुर्गम पहाड़िया अंचल में वैक्सीन पहुंचाई आई ड्रोन शुभारंभ हो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आई ड्रोन एक ड्रोन आधारित टीका वितरण मॉडल शुभारंभ करते जीवन रक्षाकारी टीका समस्त पाखे जपरी पहुंचा ताहा वितरण मॉडल सुनिश्चित कर मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यगुड़िकर पहाड़िया अंचल में टीका स्थानांतर में व्यवहार कर प्रथम दिन में मणिपुर विष्णुपुर जिला हस्पिटाल लोकतक ह्रदर करंग स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचा जाता प्रथम थर पर दक्षिण एशिया कोरोना टीका स्थानांतर पर ड्रोन व्यवहार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व को धन्यवाद जनाई केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री कहते नेतृत्व में राष्ट्र द्रुत गति अग्रगति करुछि आज एक ऐतिहासिक दिन जहां आमको दर्शाई जे टेक्नोलॉजी जीवन को किपरि सहज करुछि सामाजिक परिवर्तन आनिछि आज साउथ एशिया में सबसे पहली बार ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है और उस अवसर पर मैं ICMR मणिपुर गवर्नमेंट उसके साथ जुड़े हुए टेक्निकल स्टाफ सभी हेल्थ कर्मियों और सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ
मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश की जनता का जीवन कैसे सरल हो और टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में कैसा बदलाव ला सकती है और जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए टेक्निकल का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, उसका आज ऐतिहासिक एग्जाम्पल स्थापित हुआ है। टेक्नोलॉजी का जीवन, टेक्नोलॉजी नागरिक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख रहे हैं। आज पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है, कॉमर्शियल उपयोग हुआ है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है, अगले दिनों में उसका कई उपयोग है, एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। मैं आज खुश इसलिए हूं कि ये ड्रोन मेक इन इंडिया है। खबर जा रही वो समझे को प्रक्रम स्वागत। मामला कोर्टे विचाराधीन थिबाबळे आंदोलनर वैधता उपरे प्रश्न उठाइछंती मानवीय सर्वोच्च न्यायालय। केन्द्रर कृषि आईन विरोधरे दीर्घ दिन धरी आंदोलन चलाइथिबा कृषक नेतांक उद्देश्यरे आज एहा पचारिछंती सुप्रीम कोर्ट। गत जानुअरी मासठारु मानवीय सुप्रीम कोर्ट तीनिटी कृषि आईन लागू उपरे स्थगितादेश जारी करछंती। कृषि आईन को नै कोन कराजिबो तार विचार पई जनस्वार्थ मामला दायर होइछि, जहाँ विचाराधीन रहिछि। ई परिप्रेक्षीरे कृषक संगठन गुड़िक आंदोलनर चालू रखिबा पई साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त करिबा केते दूर ठीक बोली प्रश्न उठिछि। विशेष करी जेऊ आईन लागू उपरे स्थगितादेश जारी होइछि तापरे आंदोलन करिवार वैधता उपरे प्रश्न उठाइछंती सुप्रीम कोर्ट। आईन को रद्द करिबा पई कोर्ट आवेदन एवं आंदोलन एका संगरे चली पारिबोनी बोली सुप्रीम कोर्ट कहिछंती। एई परिप्रेक्षीरे कृषक संगठन गुड़िकर आंदोलन करिबा पई अधिकार रहिछि कि नाही एवं सेमाने दिल्ली रे जंतर मंतर निकटे आंदोलन करिपारिबे कि नाही ता अनुध्यान करि देखुछंती कोर्ट। या सहित हरियाणा रो 42 जन कृषक नेतांको नोटिस मध्ये जारी करिछंती सुप्रीम कोर्ट। यार परवर्ती सुनानी अक्टोबर 21 को स्थगित रहिछि। कृषक संगठन गुड़िक आईन को विरोध करिबा नारे सर्वसाधारण रास्ताघाट बंद रखुथिबारु पूर्वरु सेमानको उपरे कड़ा असंतोष प्रकाश करथिले मानवर सुप्रीम कोर्ट। पश्चिमबंग निर्वाचन परवर्ती हिंसारे पीड़ितंकु क्षतिपूरण न दिआजिबा उपरे ममता सरकारंक उपरे कोलकाता हाईकोर्ट कड़ा टिप्पणी करिछंती। सोमवार सीबीआई राज्यरे निर्वाचन परवर्ती हिंसा उपरे करथिबा तदंत रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्टरे दाखल करथिले। ए समयरे कोर्ट ममता सरकारंक अवहेलापूर्ण कार्यकु नै कड़ा टिप्पणी करथिले। मुख्य विचारपति जस्टिस बिंदल और जस्टिस राजेशी भरद्वाजक खंडपीठ शुणाणी समयरे कहिथिले एक गुरुतर प्रसंगरे राज्य सरकारंक अवहेलापूर्ण व्यवहारकु दर्शाउछि। मामलार परवर्ती शुणाणी नवेम्बर 8 तारीख रहबो। मेडिसिन पई घोषणा हला नोबेल पुरस्कार 2021 वर्ष पई मेडिसिन ने नोबेल पुरस्कार घोषणा होई छे। डेविस जुलियस एवं पाटा पाउटियन को जुग्म भावरे ए नोबेल पुरस्कार पाइबा पई मन्नित होई छंती। शरीर तापमात्रा स्पर्श पई उद्दिष्ट रिसेप्टर आविष्कार क्षेत्र रे सेमानकु ए पुरस्कार मिलबा को जाउ छे। ए दुई अमेरिकी भेषज विज्ञानी को पुरस्कार बाबद्रे गोटे स्वर्ण पदक सह 10 नियुत स्वीडेन क्रोन रो आर्थिक राशि दिया। आज आरंभ हो भारत और श्रीलंका मध्य जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज। यह दीर्घ 12 दिन धरी जारी रहिबो। संतरासवाद विरोध में दुई देशर मिलित अभियान को जोरदार करने सहित उभय देशर सेना मध्य सुसंपर्क स्थापन करने लक्ष्य सामरिक अभ्यास आरंभ हो। भारतीय स्थलसेना तरफ 120 जन विशिष्ट एक कंटिजेंट विभिन्न अस्त्रशस्त्र सहित भाग ने बेले श्रीलंका स्थलसेनार संख्यार एक कंटिजेंट युद्ध अभ्यास भाग ने। भारत वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला चारिदिनिया श्रीलंका गस्त रही दुई देशर द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि दिगरे यह आउ एक नुआ फर्द जोड़ बोली आशा रखा।
आसे परती खबर को एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत दाबी रे हाईकोर्ट को द्वारस्थ होती सौम्यों बापा अभिराम महापात्र राज्यर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच रो तदंत उपरे तांकर भरोसा नथिबा कथा कहिसेंती अभिराम सेबडे तदंत नारे क्राइम ब्रांच दिन को दिन समय गड़ाई चलिबा कुनी प्रश्न उठाइथिबा बेले एबे चर्चा रे मंत्री विक्रम केसरी आरुक ओडीएफओ संग्राम केसरी बेहरा सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें न्याय देलेनि सरकार न्याय देलेनि राज्य मुखिया न्याय देलेनि राज्यर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच मंत्री डीएफओ मंत्री पीएसओ सुरक्षा पाई तदंत हला बाटबणा आउ क्राइम ब्रांच नुहे सीबीआई तदंत करिबाकु दाबी करिछन्ति सौम्यों बापा अभिराम महापात्र आउ एने हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछन्ति सौम्यों बापा अभिराम महापात्र आउ अभिराम आनिछन्ति संगीन अभियोग जुलाई 12 तारीख रात्रि रे पोड़ा अवस्था रे सौम्य मिलिथिबा घरे पारला घिमुंटी आईआईसी विवेकानंद स्वई ओ ओआईसी ममता पड्डा थिबा कथा कहिछन्ति अभिराम जेउति पई अनेक प्रमाण नष्ट करिथिले बोली सौम्यों बापा अभियोग करिछन्ति खाली एतिकि नुहे घटना रात्रि रे सौम्य थिबा अम्बुलांस को मध्य एमाने अटकाइथिले ओडिशा पुलिस ओ ता तदंतकारी संस्था घटना उपरु परदा उठाई परिबे नाही कि आमुकु न्याय दे परिबे नाही बोली कहिछन्ति सौम्यों बापा तबे सीबीआई किबा हाईकोर्ट मॉनिटर जो तदंत करिबा पई हाईकोर्ट रे प्रार्थना करिछन्ति अभिराम आउ एथिरे सीबीआई ओडिशा पुलिस डीजी क्राइम ब्रांच डीजी ओ गृह सचिव को पक्षभुक्त करा जाइतिबा कहिछन्ति अभिराम को वकील मो पुअर स्त्री जो विद्या भारती आउ मनमत कुंभ रोसेया डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा आंकर तीन जन नाम एफआईआर दिखाला 320-120 बी दफा लगता आज 81 दिन है पुलिस की क्राइम ब्रांच किसी कलानी तेणु आम पुलिस क्राइम ब्रांच उपर संदेह है तेणु बाध्य आम हाईकोर्टर आश्रय नहीं सीबीआई इनक्वारी हेल्ले आम सत्य पाइम कि जो पीरियड आगुरी अभियोग होता है आंबुलांस अटकईले बोलिकी से ही पीरियड में आंबुलांस को अटकई कि घर भितर जो जिनस नौ तो वर्तमान जी तदंतकारी अधिकारी सी जिते अनेक घटना को सप्रेस कर तो ये मानने अभोग होजनाबद्ध भाव में पु को हत्या कर हत्यारे पालाखेमंडी पुलिस इनवल्व अच्छी से घटना को आउ राज्य पुलिस तदंत कले ठीक न्याय पाइबे ना आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा आवश्यक किंबा कोर्ट मॉनिटर एसआईटी करवा आवश्यकता अच्छी पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें विवाद को आसी खोद जंगल मंत्री विक्रम केशरी आरुक और तांकर तत्कालीन पीएसए विक्रम को भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई अभिराम खोद डीएफओ विद्या भारती और रोसेया मनमथ कुंभ रही विक्रम और उपर महलार अधिकारी छत्र छाय ते वर्तमान सुधा घटनार तदंत क्राइम ब्रांच द्वारा चली भितर 16 अधिक लोक जेरा सर विद्या भारती डीएफओ लाइ डिटेक्शन टेस्ट होते अभियुक्त को धरवा परे घंट घोड़ा जा अभोग आौम्यों पर सेपटे ही घटना पछरे रक्त चंदन काठ तस्करी अभियोग आसी कहीं चुप बसी क्राइम ब्रांच ताकू उठी प्रश्न आवाद को आसी खोद क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा आ गृह विभाग मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र घटना को दुई मास बीती जाता बेले घटना पर परदा न उठा एवं क्राइमब्रांच तदंत दिग को नहीं उठी प्रश्न ब्यूरो इनपुट कटक इमरान खान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय आउ एक ब्रेक रो स्वागत इस्तफा पर भी तुटुडी बद निरंजन को हटावाई कांग्रेस भवन प्रतवाद आसबू भितर पीसीसी सभापति मौन व्रत को नहीं कटाक्ष कले दल वरिष्ठ विधायक सेबे पिपिली उपनिर्वाचन में कांग्रेस प्रदर्शन दलय संगठन जे धीरे धीरे भूसुड़ी ता जल जल ही देखा राज्य कांग्रेस मुरबी किए समर्थक किए विरोधी किए केते सत केते मिछ निरंजन इस्तफा निरंजन विरोधी विद्रोह को केमिति समाधान करिबे हाईकमांड गोटे पटे निरंजन इस्तफार खबर आउ गोटे पटे कांग्रेस भवन में निरंजन विरोध में विद्रोह आउ यार भितर निरंजन विरोध में दिल्ली में किसी नेता डेरा पकाई थिबा नहीं चर्चा होउची
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୌନ ବ୍ରତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କେତେ ସତ ଓ ଯଦି ସତ ତାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତା କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛାମୁଆ ନେତା। ସେପଟେ ନିରଞ୍ଜନ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ବିଧାନସଭା ଆଜି ଚାରିଟା ବାଇପୁଲ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ହେଇକି ପାର୍ଟିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନରେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ 50 ସିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ, ଭିତିରା ଗଠବନ୍ଧନ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭିତିରେ ଡାକିକି ବି କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର ୱିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜର ଖଣି ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଖଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ରାଜନୀତି କରିବେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାର ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବିସି ସଭାପତି ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେନି, ନା ପଇସାକୁ, ନା ପାୱାରକୁ, ନା ମଧୁକୁ, ନା କାହାରିକୁ। ସେ ଏଇନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଶିବ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ ହଁ, ସେ ଏଇନା ଏକା ପ୍ରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ 9830 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 2.36% ଅର୍ଥାତ 4261 ଭୋଟ ମିଳିଛି। 2019 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ ପାଇ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ, ଇଏ ଭୋଟ ଅଲଗା, ଆମେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏକ୍ସ୍ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ, ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନିରଞ୍ଜନ ରହିବେ ନା ପିସିସି ବଦଳିବେ? ଯଦି ବଦଳିବେ କାହାକୁ ସଭାପତି କରିବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ? ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।